संत परंपरा में मालवी के प्रसिद्ध संत कवि पीपा का नाम उल्लेखनीय है। राजस्थान प्रदेश के झालावाड़ जिला मुख्यालय के निकट आहू और कालीसिंध नदी के किनारे बना प्राचीन जलदुर्ग गागरोन संत पीपा जी की जन्म और शासन स्थली रहा है। इसी के सामने दोनों नदियों के संगम पर उनकी समाधि, भूगर्भीय साधना गुफा और मंदिर आज भी स्थित है। उनका जन्म 14वीं सदी के अंतिम दशकों में गागरोन के खींची राजवंश में हुआ था। वे गागरोन राज्य के एक वीर, धीर और प्रजापालक शासक थे। शासक रहते हुए उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान फिरोज तुगलक से लोहा लेकर विजय प्राप्त की थी, किंतु युद्धजन्य उन्माद, हत्या, लूट खसोट के वातावरण और जमीन से जल तक के रक्तपात को देख उन्होंने तलवार तथा गागरोन की राजगद्दी का त्याग कर दिया था। ऐसे त्याग के तत्काल बाद उन्होंने काशी जाकर स्वामी रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण किया। शिष्य की कठिन परीक्षा में सफल होकर वे स्वामी रामानंद के 12 प्रधान शिष्यों में स्थान पाकर संत कबीर के गुरु भाई बने। कबीर ने पीपा का और पीपा ने कबीर का स्मरण किया है। इससे स्पष्ट है कि वे परस्पर समकालीन और स्नेही थे। पीपा की तपोभूमि के अवशेष गागरोन में सिंध नदी के तट पर आज भी देखे जा सकते हैं। गागरोन आज राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, परंतु परंपरागत रूप से यह मालवा का ही क्षेत्र रहा है और यहाँ की व्यवहार भाषा मालवी ही रही है। यही कारण है कि पीपा की वाणी में, उनके दोहों या पदों में मालवी की बहुलता है। स्थानीयता का प्रभाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव जी ने आपकी रचना आपके पोते अनंत दास के पास टोडा नगर में ही प्राप्त की। इस बात के प्रमाण अनंत दास द्वारा लिखित परिचय के 25वें प्रसंग से भी होती है। इस रचना को बाद में गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना 685 पर उनकी पंक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, और पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। संतों की भावना और परंपरा के अनुरूप पीपा ने गुरु महिमा के साथ ही सामाजिक धार्मिक विसंगतियों और आचरण के दोषों पर सटीक टिप्पणियां की हैं। कई स्थानों पर कबीर जैसी भावना और भाषा भी व्यक्त हुई है। इससे प्रतीत होता है कि रामानंद के सभी शिष्यों का सोच और उसे प्रकट करने का तरीका प्रायः एक जैसा था। गुरु रामानंद ने अपने शिष्य राजा प्रताप राय को यही मंत्र देकर उपदेश दिया, हे शिष्य, तू लोक हित के लिए प्रेम रस पी और दूसरों को भी पा, अर्थात पिला। बस इसी उपदेश के दो अक्षरों पी और पा को जोड़कर राजा प्रताप राय ने अपने जीवन का मुक्ति सूत्र बना लिया और अपना नाम ही पीपा रख लिया। उसके बाद वे संत पीपा के नाम से विख्यात हो गए। इनकी वाणियों की दो हस्तलिखित प्रतियां द्वारिका के एक मठ में उपलब्ध हैं। पीपा की भाषा अपने युग में प्रचलित संतों की भाषा जैसी होने पर भी स्थानीय मालवीपन से कुछ अधिक ही प्रभावित है। यही नहीं, उनके साहित्य का प्रायः आधा भाग तो शुद्ध मालवी का ही साहित्य कहा जा सकता है। अतः एक ओर पीपा मालवा की हिंदी कवि परंपरा के मध्ययुगीन महत्वपूर्ण कवि हैं, वहीं प्राचीन मालवी कवियों में वे अग्रणी और महत्वपूर्ण कवि हैं। मालवी काव्य परंपरा उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं कही जा सकती। निर्गुण संतों में गुरु का बहुत आदर है। एक स्थान पर अपने गुरु रामानंद का स्मरण करते हुए कहते हैं, पीपा के पंजर बस्यो रामानंद को रूप, सर्व अंधेरा मिट गया, देख्या रतन अनूप। अर्थात पीपा के शरीर में रामानंद जी का रूप बस गया है, इससे मेरे भीतर व्याप्त सारा अंधकार मिट गया है और मैंने अनुपम तत्व का दर्शन कर लिया है। वे गुरु का पारस पत्थर और स्वयं को लोह का दर्जा देते हुए कहते हैं, लोहा पलट कंचन भया सदगुरु रामानंद, पीपो पदरज दे सदा मिटिया जगत का फंद। सदगुरु रामानंद के पारस स्पर्श से लोहे से सोना बन गए, उनके चरणों की धूल से इस संसार का फंदा मिट गया है। संत पीपा ने सरल शब्दों में तीव्र भावानुभूति को अभिव्यक्त किया है। वे सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं करते हैं। गुरु जैसा भी ज्ञान दे उसे निर्भय होकर ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके लिए यह दोहा देखिए, सगुण मीठो खांड सो निर्गुण कड़वो नीम, पीपा गुरु जो पुरस दे निर्भय होकर जीम।
अर्थात सगुण तो मीठी शक्कर जैसा है जबकि निर्गुण कड़वा नीम है। पीपा जी कहते हैं कि सगुण अथवा निर्गुण में से गुरु जो परस दे अर्थात बता दे, निर्भय होकर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वे अपने गुरु से एक क्षण के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहते। वे हाथ से निरंतर सत्कर्म करते हुए और जीव से हरि का नाम जपते हुए आठों पहर गुरु के साथ चलना चाहते हैं। हाथ दिए सत्कर्म को जिह्वा सेवन नाम, सदगुरु रे साथ चले पीपा आठहुं याम। व्यक्ति को गुरु के कारण मुक्ति प्राप्त होती है। राम नाम लिया जानिया पकड़ गुरु की धार, पीपा पल में परसिया खुल गयो मुक्ति द्वार। राम नाम लेते हुए जिसने गुरु का पल्ला पकड़ लिया उसकी मुक्ति का द्वार पल भर में ही खुल जाता है। संत पीपा ने मांसाहार का तीव्र निषेध किया है। यहाँ उनकी भाषा प्रहारात्मक हो गई है। वे कठोर शब्दों में कहते हैं, जीव मार जीवन करे, खाता करे बखाण, पीपा पर तक देख ले थाली माय मसाण। जीवों को मार कर जो भोजन करता है और फिर उसका वर्णन करता है, मांसाहार करने वाले को चाहिए कि वह अपनी थाली में ही श्मशान देख ले। वे अछूत और शूद्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, क्षमा दया हिवड़े नहीं कही न साची कूत, पीपा जे जीव पीड़ते ते पशु शूद्र अछूत। जिनके हृदय में न तो क्षमा दया है और सच कहने सुनने की ताकत है, वे वास्तव में पशु समान शूद्र और अछूत हैं। दूसरों को दुख देने के समान और कोई अधर्म नहीं है। हर युग में दुर्जनता और सज्जनता में द्वंद्व चलता रहता है। अपने गुरु भाई कबीर का उन्हें बहुत सहारा था, अतः वे उन्हीं की भांति अपने युग के पाखंड और आडंबर के विरुद्ध तनकर खड़े हुए भी दिखाई देते हैं। वे उस संत की खुले शब्दों में भर्सना करते हैं जो केवल वेशभूषा से संत होता है, आचरण से नहीं। पीपा जिनके मन कपट तन पर उजरो भेस, तिनको मुख कारो करो संत जना के लेख। अर्थात संत पीपा कहते हैं कि जिनके मन में तो कपट भरा है परंतु शरीर पर साफ वस्त्र धारण किए हुए हैं, संतों का ऐसा कहना है कि उनका मुंह काला कर देना चाहिए। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए संत पीपा ने लिखा है, उठ भाग्यो वाराणसी नहायो गंग हजार, पीपा वेजन उत्तमा जिणा राम कयो एक बार। जो लोग भाग भाग वाराणसी जाकर हजार बार गंगा स्नान करते हैं उन लोगों से वे लोग ज़्यादा उत्तम हैं जो एक बार राम का नाम ले लेते हैं। वे मठाधीश और ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं, पग धो उन देव को जो घाले गुरु घाट, पीपा तिनको न गिणु जिनके मठ और ठाट। जो व्यक्ति गुरु के पास नित्य प्रति बैठे रहते हैं वे उनके पैर धोने को तैयार हैं, लेकिन वे उनकी गिनती भी नहीं करना चाहते जो मठाधीश बनकर भोग विलास में डूबे हुए हैं। कबीरदास के समान ही संत पीपा की वाणी में ओज है। जो लोग पूरे जगत में बुराई ही बुराई देखते हैं उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अपनी पलकें खोलकर जरा अपने भीतर भी झांक लो। नश्वर शरीर का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले शरीर में कभी सत्य का संचार नहीं हो सकता। संत पीपा कबीरदास जी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनकी वाणियों में कबीर की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद्र, अंधे अंधा ठेल लिया दुनियु कूप पड़ंत। वहीं संत पीपा कहते हैं, पहला गुरु को परख लूँ पाछे पूजू जाए, पीपो काचो खेवटो उल्टे सबरी नाव। अर्थात गुरु बनाने के पहले उसकी पूरी परीक्षा कर लो, उसके बाद उसकी पूजा करो, अन्यथा यदि गुरु कमज़ोर हुआ तो हमारी शरीर रूपी नाव का डूबना निश्चित है। संत पीपा ने गहन गंभीर विचारों को बहुत कम शब्दों में अभिव्यक्त किया है। हमें राम नाम लेने में जरा भी देर नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये प्राण कब छूट जाएंगे। एक बार जब प्रेम का प्याला पी लेते हैं उसके सामने मुक्ति भी फीकी लगने लगती है। एकमात्र राम का नाम ही सच्चा मंत्र है। वेद पुराण पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य मात्र को तन मन और धन से साधुओं की सेवा करना चाहिए। हमारा जीवन सदैव दूसरों के हित के लिए होना चाहिए और मरण भी दूसरों के लिए हो। संत पीपा कहते हैं कि ब्रह्म जीव और जगत के भेद को कोई नहीं जान पाया, लेकिन राम की प्राप्ति होते ही सारा भ्रम मिट जाता है। ब्रह्म जगत और जीव में भेद न जानियो काय, पीपा राम मिलिया पछो सगलो भ्रम नसाय। मन की गति को समझाते हुए संत पीपा कहते हैं कि मन तो पक्षी के समान है, वह जहाँ तहाँ उड़ जाता है। उसे जैसी संगत मिलती है वैसा ही फल प्राप्त होता है।
संत पीपा ने दोहे के अलावा पद भी लिखे हैं। यहाँ पर पद द्रष्टव्य है, इण घर अंदर बाग बगीचा, इणमें सृजन हारा रे, इण घर अंदर सात समंदर, इणमें नवलख तारा रे, इण घर अंदर अणहद गूंजे, इणमें सब संसारा रे, पीपा के तो घणो भरोसो, इण भज साही मारा रे। अर्थात इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसका बनाने वाला भी इसी में निवास करता है। पीपा को अपने भीतर बसने वाले साई पर बहुत भरोसा है, इसलिए वे उसी का भजन करते हैं। पीपा की रहस्य भावना भी द्रष्टव्य है। उनका स्पष्ट मत है कि संसार को बनाने वाला इसी में समा गया है। वे उसकी विद्या को देख देख कर आश्चर्य करते हैं। वे कहते हैं, माधव नट विद्या मोड़ी, सब जग मेल्या ममता बांधी, ना कोई पुरुष ना कोई नारी, ना कोई दाता ना कोई भिखारी, ना कोई राव नहीं कोई राणा, लघु दीर्घ झूठा कर जाना, प्रणवत पीपा सब जग देख्या, बाजीगर घट भीतर पेख्या। उस परम पिता ने सभी जगह ममता बांध दी है, न तो कोई पुरुष है न कोई नारी है, न कोई देने वाला है न कोई भिखारी है, न तो कोई राजा है न राणा, न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। इस संसार को बनाने वाले ईश्वर के प्रति पीपा प्रणाम करते हैं, जो इस संसार में ही छिप गया है। संत पीपा अपने पद में कहते हैं कि हे देव, भ्रमित होकर मैं तेरी शरण आया हूँ, यह मोह का बंधन कैसे टूटेगा? विद्या भी हासिल करके देख ली, दान देकर भी देख लिया, फिर भी मन में अंधकार है। साधु की संगति के बिना मन में शांति नहीं है। पुण्य भी देख लिया है, पाप भी देख लिया, इस संसार में व्याप्त संताप अथवा दुख भी देख लिया। पीपा प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि अब आप ही उद्धार करोगे। संत पीपा का जीवन चरित्र देश के महान समाज सुधारकों में एक नायाब नमूना है। इसलिए भक्ति आंदोलन के संत ही नहीं, अपितु बाद के समाज सुधारक संतों के लिए वे एक उदाहरण बन गए। उनकी ऐसी विचारधारा के कारण ही वे कई भक्तमालाओं के आदर्श चरित्र पुरुष बनकर लोकवाणियों में गाए गए। संत पीपा जी ने अपनी पत्नी सीता सहचरी के साथ राजस्थान में भक्ति एवं समाज सुधार समन्वय का अलख जगाने में विलक्षण योगदान दिया। उन्होंने उत्तरी भारत के सारे संतों को राजस्थान के गागरोन में आने का न्योता दिया। स्वामी रामानंद, संत कबीर, रैदास, धन्ना सहित अनेक संतों की मंडलियों का पहली बार राजस्थान की धरती पर आगमन हुआ और युद्धों में उलझते राजस्थान में भक्ति और समाज सुधार की एक महान क्रांति का सूत्रपात हुआ। पीपा जी और सीता सहचरी ने उसी समय अपना राज्य त्याग कर गागरोन से गुजरात तक संतों की यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र स्थित द्वारका तीर्थ को खोजा और पर दुख कातरता, पर पीड़ा तथा पर व्याधि की पीड़ा की अनुभूति कराने वाली वैष्णव विचारधारा को जन जन के लिए समान भावों से जीवनोपयोगी सिद्ध किया। कालांतर में गुजरात के महान भक्त नरसिंह मेहता ने उनकी इसी विचारधारा से प्रभावित होकर वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे पद लिखा, जो महात्मा गांधी के जीवन में भी प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। संत पीपा जी को निर्गुण भावधारा का संत कवि एवं समाज सुधार का प्रचारक माना जाता है। भक्त मीराबाई उनसे बहुत प्रभावित थी, तभी तो उन्होंने लिखा, पीपा को प्रभु परच्यो दीनों दियो रे खजाना पुर। वहीं भक्तमाल लेखन की परंपरा का प्रवर्तन करने वाले नावादास ने पीपा जी के जीवन चरित्र पर देश में सर्वप्रथम छप्पे की रचना की थी। संत पीपा जी बाहरी आडंबरों, तोते कर्मकांडों और रूढ़ियों के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर निर्गुण, निराकार, निर्विकार और अनिर्वचनीय है। वह बाहर भीतर घटघट में व्याप्त है, वह अक्षत है और जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में व्याप्त है। उनके अनुसार मानव मन में ही सारी सिद्धियाँ और वस्तुएँ व्याप्त हैं। उनका यह विराट चिंतन यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के विराट सूत्र को ही मूर्त करता है और तभी वे अपनी काया में ही समस्त निधियों को पा लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में समादृत इस महान विभूति का यह पद इसी भावभूमि पर खड़ा हुआ भारतीय भक्ति साहित्य का कंठहार माना जाता है। अनंत जाऊं राजा राम की दुहाई, कायागढ़ खोजता मैं नौ निधि पाई। उन्होंने अपने विचारों और कृतित्व से भारतीय समाज में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने लोक के कोण से शास्त्र को परखा भी और उसमें परिवर्तन भी किया।
सदियों से भारत देश में चली आ रही चातुर्वर्ण परंपरा में एक नवीन वर्ण श्रमिक नाम से सृजित करने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। उनके द्वारा सृजित यह नवीन वर्ग इस प्रकार का था, जो हाथों से उद्यम कर्म करता और मुख से ब्रह्म राम का उच्चारण करता था, जिसमें कर्म और धर्म का अद्भुत समन्वय था। हाथा से उद्यम करे मुख सो उचरे राम, पीपा सांधा रो धर्म रोम रमारे राम। संत पीपा जी सच्चे अर्थों में लोक मंगल के समन्वयी पद्धति के प्रतीक थे। उन्होंने संसार त्याग कर निरी भक्ति करते हुए कभी पलायन करने का संदेश नहीं दिया। वे तो अपने लोक के प्रति इतने समर्पित थे कि वे इसी से अपनी भक्ति के लिए ऊर्जा प्राप्त करते थे। यही कारण है कि मध्ययुगीन भारतीय संतों में उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। वे लोकवाणी के वाहक भी हैं और लोक को समर्पित व्यक्तित्व भी। उनकी समूची वाणी ही लोक के परिष्कार के लिए है। अपनी वाणी में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी अपनी व्यंजना है। वे सामाजिक समन्वय के महान आख्याता इसलिए हैं कि उन्होंने उस ब्रह्म से साक्षात्कार कराया जिसकी खोज में मानव आजीवन भटकता है। उन्होंने सच्चे अर्थों में ब्रह्म के स्वरूप की पहचान पर जोर देते हुए कहा कि उस ब्रह्म की पहचान मन में अनुभव करने से है। उन उजियारे दीप की सब जग फैली ज्योत, पीपा अंतर नैण सो मन उजियारा होत। और फिर वे लोक मंगल के लिए आपसी भेदभाव मिटाने पर भी बल देते हैं। उनके इस विचार में एक महान तात्विक चिंतन छिपा हुआ है, जिसमें एक परात्पर ब्रह्मांड राम के प्रति आस्था पर बल है। उनका मानना है कि जब वह तत्व सर्वव्यापी है, फिर विप्र शूद्र का अंतर कैसा। इसी भावना पर वे कहते हैं, संतों एक राम सब माही, अपने मन उजियारो आन न दीखे काहीं। संत पीपा जी ने भक्ति मार्ग एवं समाज सुधार की सच्ची भावना को अंगीकार कर जनमत का भेद मिटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक बार वे दौसा में श्री रंगजी भक्त के आश्रम में बैठे थे। उसी समय दो अनुसूचित जाति की स्त्रियां वहां आईं। वे अति सुंदर थीं। पीपा जी ने उन्हें अपने पास सम्मान बैठाया तथा उनसे कहा कि वे अपना रूप रंग राम जी की भक्ति नहीं करके व्यर्थ गंवा रही हैं। रंग जी ने उनसे कहा कि ये नीच जाति की हैं। तब पीपा जी ने उनसे कहा, मैं इन्हें दीक्षा दूंगा ताकि इनका यह लोक व परलोक सुधर जाएगा। ऊंच नीच का भेद समाप्त करने के लिए ही मैंने इन्हें बुलाया है। उस युग में ही पीपा जी ने सामाजिक पर्दा प्रथा का कठोर विरोध उत्तरी भारत में पहली बार किया। इस बारे में उन्होंने बताया कि जिसमें सच्ची भक्ति और आत्मबल के भाव हैं, उन्हें पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जहाँ पर्दा तही पाप, बिन पर्दे पावे नहीं। जहाँ हरि आपे आप, पीपा तहाँ पर्दो किसो। उन्होंने यह बात केवल वैचारिक धरातल पर ही नहीं की, वरन उन्होंने उस प्रथा का निवारण पहले अपने जीवन में चरितार्थ करके भी बताया और अपनी पत्नी सीता सहचरी को आजीवन बिना पर्दे के ही रखा, जबकि तत्कालीन राजपूत राजाओं में पर्दा प्रथा का घोर प्रचलन था। यह कहना असंगत न होगा कि संत पीपा जी का रचना संसार लोक मंगल के लिए भक्ति एवं सामाजिक समन्वय के सच्चे भावों पर आधारित है। आज जब धर्म, नस्ल, जाति, क्षेत्र जैसे भेदों को गहरा कर मानवता विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, ऐसे में महान संत पीपा जी की वाणी की राह ही हमें अखंड मानवता के पक्ष में ले जाती है।